अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां इच्छापुर हाईवे से सटी ग्राम पंचायत झिरी की महिला सरपंच ने अपने गहने गिरवी रखकर ग्राम पंचायत में सीसीटीवी लगवाए, जिसने भी यह सुना आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन यह सच है। इस बार झिरी पंचायत की सरपंच आशा विकास कैथवास बनी है। पंचायत का कार्यभार संभालने से पहले ही उन्होंने अपने जेवर गिरवी रखकर 80,000 कीमत के सीसीटीवी कैमरे खरीदे, फिर प्रभार संभालते ही इन कैमरों को गांव में लगवा भी दिया। अब यह पंचायत पूरी तरह हाईटेक सिक्योरिटी वाली पंचायत कहला रही है। आशा कैथवास ने बताया कि सीसीटीवी से हर एक्टिविटी आसानी से ट्रेस हो सकती है। ये कैमरे आरोपी को पकड़वाने में मदद करेंगे। हमारा मकसद ग्रामवासियों की सुरक्षा है, यही चुनावी मुद्दा भी था। इसके चलते हाईवे किनारे और पंचायत में 80,000 के हाई डेफिनेशन क्वालिटी और नाइट विजन वाले 4 कैमरे लगवाएं। कुछ महीने पहले झिरी में एक बच्चे के साथ अपहरण जैसी घटना घटित हो चुकी है। हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने की वजह से आरोपी को 72 घंटे के अंदर ही पुलिस ने धर दबोचा। इंदौर इच्छापुर रोड किलर हाईवे बन चुका है, इसलिए भी यह निर्णय लिया गया। आशा कैथवास ने बताया कि जब उन्होंने पंचायत का कार्यभार संभाला, तब तक आचार संहिता के चलते लेन देन बंद होने और नए सरपंच की DSC तैयार नहीं होने के कारण रुपए मिलने में विलम्ब होने लगा था, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे तत्काल लगाना जरूरी था। इसलिए सरकारी मदद का इंतजार ना करते हुए अपने जेवर गिरवी रख कर खुद के खर्चे से सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। तो हमारे यहाँ पर ये जो हाईवे है किलर हो चुका है, और यहाँ झांझर में एक लड़के का अपहरण हो चुका था, तो फिर मैंने मेरे गहने गिरवी रखे और 80 से 90 हजार की कीमत वाले ये कैमरे हमने गांव में लगाए।